एक खूबसूरत लड़की को दिखाकर इस मूवी की स्टार्टिंग होती है, जो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। सारा रात में पार्टी में जाना चाहती है, पर उसके डैड उसे कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं। सारा को आजादी चाहिए होती है और वहाँ से चली जाती है। सारा के डैड सारा को कोई आजादी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उसी रात सारा चुपके से घर से बाहर आ जाती है और अपने बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ पार्टी में चली जाती है। सुबह जब सारा पार्टी से अपने घर आ जाती है तो उसके डैड बाहर ही उसका वेट कर रहे थे। वो सारा से डोर पर ही चिल्लाने लगते हैं। वहीं सारा की मॉम भी आ जाती हैं और वो सारा को बचा लेती हैं। इसके बाद सारा अपने रूम पर जाती है और बाद में वो अपनी मॉम और अपनी बड़ी सिस्टर को बताती है कि 3 महीने बाद वो 18 साल की हो जाएगी और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ रहने चली जाएगी। हम देखते हैं कि डॉन भी ये सब डोर पर कान लगा कर सुन लेता है। फिर मूवी को 3 महीने आगे कर दिया जाता है। हम देखते हैं सारा की मॉम और सिस्टर घर से बाहर किसी काम से गए होते हैं। वहीं डॉन सारा के पास आता है और कहता है कि उसे एक बॉक्स को बेसमेंट में रखना है, जिसके लिए उसकी मदद चाहिए। तो सारा भी डॉन के साथ वो बॉक्स लेकर बेसमेंट में आ जाती है। फिर डॉन उस सीक्रेट रूम को खोलता है। डॉन अब सारा को उस रूम के अंदर ले जाता है और फिर उसे बातों में उलझा लेता है। लेकिन डॉन तभी उसको रूम में बंद करके रूम के बाहर आ जाता है। सारा का ये रूम पूरी तरह से खाली था और वहाँ पर केवल वही एक बॉक्स था जो वो डॉन के साथ लाई थी और उसमें सारा की सभी जरूरत का सामान होता है, जिससे वो तहखाने में रह सकती हो। सारा अब समझ जाती है कि उसके डैड उसे यहाँ कैद करके रखने वाले थे। सारा को कुछ समझ नहीं आता और वो सोचती और इंतजार करती है कि यहाँ से कैसे भागे। अगले दिन सारा फिर से डोर पर ही हेल्प के लिए काफी चिल्लाती है। फिर डॉन वहाँ आता है और सारा उसे पुश करके वहाँ से आजाद होने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से बाहर जाने वाला दूसरा डोर भी लॉक होता है। डॉन सारा को काफी बेरहमी से दोबारा तहखाने में लाता है और उस पर चिल्लाता है, लेकिन सारा डॉन की किसी बात को मानने से मना कर देती है। अब डॉन उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होकर वहाँ से चला जाता है। सारा की हालत अब काफी खराब होती है और उसे उल्टी होने लगती है। दूसरी तरफ सारा काफी परेशान होती है क्योंकि डॉन ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। इसी बीच सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर भी काफी परेशान होता है और वो सारा का पता करने के लिए उसके घर पर आता है। यहाँ डॉन उसको बाहर गार्डन में ही रोक देता है और बताता है कि सारा अपने एक बचपन के दोस्त के साथ भाग गई है। अब मूवी को फिर से 21 दिन आगे कर दिया जाता है, जहाँ सारा का बर्थडे होता है। डॉन तहखाने में उसके लिए एक केक कैंडल लेकर आता है। इस बार सारा उसकी बात मान लेती है। डॉन सारा के लिए एक रेड ड्रेस भी लाता है और उसे पहनने को कहता है और वो ड्रेस पहन लेती है। डॉन की नीयत अब सारा पर काफी खराब हो जाती है और फिर से वो सारा के साथ उसके बर्थडे वाले दिन की जबरदस्ती करता है। सारा को ये सब झूलते हुए अब 1 साल हो जाता है और अब सारा के पेट में बेबी होता है। डॉन सारा के लिए तहखाने में उसकी सारी जरूरत का सामान ला कर देता रहता है और सारा किताबें पढ़कर ही उसी तहखाने में खुद से ही अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। सारा को एक बेबी गर्ल होती है और उसका नाम वो मैरी रखती है। ऐसे ही चलते चलते 4 साल और बीत जाते हैं और सारा की मॉम आज भी उसे मिस करती है और उसकी फिक्र करती है। वहीं घर के नीचे तहखाने में हम देखते हैं कि सारा फिर से एक बार प्रेग्नेंट होती है और वो अब डॉन के साथ एक वाइफ की तरह रहती है। उसकी बेटी मैरी भी अब बड़ी हो जाती है और डॉन उसके लिए भी तहखाने में सारा जरूरत का सामान ला देता है और फिर वो ऊपर घर पर आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद सारा फिर से तहखाने में ही एक और बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम वो माइक रखती है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। फिर एक दिन मैरी की तबीयत खराब हो जाती है। डॉन उसे बाहर हॉस्पिटल में लेके जाने से मना कर देता है, जिस पर दोनों फिर से एक बार काफी लड़ते हैं। लेकिन सारा उस तहखाने में भी अपने बच्चे का काफी ख्याल रखती है और इस तहखाने को ही अपना घर मान लेती है। वहीं सालों बाद फिर से क्रिस्टोफर सारा के बारे में पूछने आता है, जिस पर उसे इस बार सारा की सिस्टर मिल जाती है। वो बताता है कि डॉन ने उसे बताया है कि सारा अपने उनके फ्रेंड के साथ भाग गई थी, लेकिन उसकी सिस्टर कहती है कि किसी को नहीं पता ये सच है या नहीं। वो ये भी कहती है कि उसे ऐसा लगता है शायद उसके डैड ने उसे कहीं छिपा दिया है। वहीं हम देखते हैं कि सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है। वहीं सारा फिर से एक बार बहुत तकलीफों के बाद अपने तीसरे बच्चे को भी उसी तहखाने में जन्म दे देती है, जो कि एक बेबी बॉय होता है। फिर एक दिन वो डॉन को कहती है कि वो उस बच्चे को उसकी मॉम को दे दे, क्योंकि ये जगह छोटी है और वो अकेले 3 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी। डॉन को भी यही सही लगता है और वो उस बच्चे को अपने घर के बाहर एक नोट के साथ रख देता है, जिसमें सारा ने लिखा होता है कि उसकी पैसों को लेकर तंगी है और वो इस बेबी को पालने के लिए रेडी नहीं है, इसे आप रख लें। अब हम देखते हैं कि सारा के बच्चे भी बड़े हो गए हैं और वो उस तहखाने को अपना घर मानने लगे हैं। फिर एक दिन बाहर बारिश की वजह से उनके तहखाने में भी पानी आने लगा है और सारा जान जाती है कि वो वहाँ की दीवार समय के साथ कमजोर हो गई है और वहाँ से किसी को बताया जा सकता है कि वो नीचे फंसे हुए हैं। सारा उस जगह पर सुराख कर देती है और रात में वहाँ पर टॉर्च लगा देती है, जिसकी रोशनी
बाहर एक आदमी देख लेता है और वो घर जाकर डॉन को ही बता देता है। डॉन फिर से गुस्सा हो जाता है और अब वो जाकर फिर से सारा को तहखाने में बहुत ज्यादा मारता है। सारा का मिसकैरेज हो जाता है और डॉन उस बच्ची को जाकर गार्डन में ही दफना देता है। इस बात से सारा और उसके बच्चे बहुत दुखी होते हैं। डॉन के जाने के बाद दोनों बच्चे अब सारा पर ही गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि आप इस आदमी की सारी बातें क्यों मानती हो, जिस पर सारा कहती है कि वो अपने बच्चों को बचा रही है बस। लेकिन सारा को भी ये सब सोचकर काफी गुस्सा आता है और वो सारा सामान फेंक कर एक कोने में सो जाती है और सुबह वो सारा से सच्चाई पूछते हैं। सारा इस वक्त बच्चों को डॉन की सारी सच्चाई बता देती है। ये बातें सुनकर दोनों बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। सारा की बेटी को डर की वजह से अस्थमा अटैक भी आ जाता है। वहीं अब डॉन की नौकरी भी चली जाती है और उसके ऊपर कुछ लोन भी होते हैं जिन्हें भरने में डॉन को काफी दिक्कत आती है। अब सारा को उस तहखाने में रहते हुए भी 20 साल पूरे हो जाते हैं और उसकी बेटी की हालत काफी ज्यादा ही खराब हो जाती है। उसे फिर से अटैक आ जाता है। सारा उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने को कहती है पर डॉन साफ मना कर देता है। सारा जैसे तैसे डॉन को मना लेती है। डॉन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब सारा बाहर की लाइफ देख लेती है और किसी भी कीमत में वापस तहखाने में जाना नहीं चाहती है और वो डॉक्टर के द्वारा दिए गए एक पेपर पर पानी गिरा देती है। डॉन काफी गुस्सा करता है पर ये तहखाना नहीं था और वो अपना हाथ नहीं उठा पाता और वो पेपर दोबारा लेने जाता है। इतने में सारा लेडी डॉक्टर के पास जाकर गले लग जाती है और प्लीज हेल्प मी कहती है और डॉन की तरफ इशारा करती है। डॉन वहाँ से निकलने लगता है और वहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी होता है जो डॉन को पकड़ लेता है और तब तक सारा उसे सब कुछ सच बता देती है, आई मीन सब कुछ। फिर पुलिस डॉन को वहाँ से ले जाती है और उसके बेटे को भी घर के तहखाने से निकाल लेती है। सारा की मॉम ये देखकर लगभग सदमे में चली जाती है और अब डॉन को भी जेल हो जाती है। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि वो अपने उसी बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर से मिलती है जो अभी तक सारा का वेट कर रहा था और फिर सारा उसके साथ बाइक में एक लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती है और फिर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।